हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइनीज किचन। आज हम बनाएंगे मटन करी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इस रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 500 ग्राम्स मटन। अब हम एक मिक्सर में ले लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने मटन में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे हम, हल्दी पाउडर और सरसों का तेल। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। तब तक हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, साबुत गरम मसाले, सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अच्छे से प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और मटन मसाला। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। अब हम इसको ढक कर पका लेंगे। ये देखिए हमारा मटन करी रेडी है। तो इसको हम जल्दी से सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा बिल्कुल टेस्टी टेस्टी मटन करी तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरे पेजेस को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।